देखिए बच्चों, आज के पीरियड में मैथमेटिक्स में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिस्काउंट एंड शेयर। तो डिस्काउंट को हिंदी में क्या लिखा हुआ है? बट्टा लिखा हुआ है। छूट भी कह देते हैं, छूट कह लो या बट्टा कह लो। और शेयर जो शब्द सुनते हैं शेयर मार्केट में सुनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। तो एक चैप्टर है बट्टा एंड शेयर के नाम से, डिस्काउंट एंड शेयर के नाम से। इसी वजह से कोई फॉर्मूले नहीं है। बाकी स्टार्टिंग करने से पहले दो शब्द हैं, एक को तो इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडी और एक को कहते हैं डिस्काउंट। तो हिंदी में तो दोनों को छूट ही कहा जाता है, तो इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर ये होता है कि एक होती है गवर्नमेंट की तरफ से, मान लिया कोई किसी वर्ग को, किसी जाति को या अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ छूट दी जाए, रिबेट दी जाए, तो क्या कहलाती है? सब्सिडी कहलाती है। और एक जनरल टर्म में, अगर हम जनरल टर्म में किसी छूट की बात करते हैं तो क्या बोल देते हैं? डिस्काउंट बोल देते हैं। अगर हम कोई खरीदारी कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ डिस्काउंट का मायने सिर्फ ये है। और हिंदी में बता ही दिया कि बट्टा कह देते हैं और छूट भी कह देते हैं, ध्यान रखना, और शेयर को समझेंगे। उसके बाद एक टर्म आएगी यहाँ पे जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को कह देते हैं मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस इंग्लिश में कह दिया जाता है। और अंकित मूल्य तो नाम ही कुछ बता रहा है, अंकित कि किसी भी वस्तु पे जो चीज छपा होता है, प्रिंट प्राइस जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं? अंकित मूल्य कह देते हैं, मार्केट प्राइस कह देते हैं। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? अंकित मूल्य पर डिपेंड करता है। जैसे हम एक चैप्टर पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो लाभ और हानि जो डिपेंड करते हैं वो तो करते हैं क्रय मूल्य पर, यानी कि सी पी पर। ठीक इसी तरह से जो डिस्काउंट होता है वो डिपेंड करता है अंकित मूल्य पर। क्यों करता है? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा। ठीक, मान लिया कोई बुक है जिसपे लिखा हुआ है 170 रुपये की बुक है, यदि 170 रुपये है क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया, एमपी हो गया। और जनरली जैसा हम जानते हैं कि कोई भी किताब बिना डिस्काउंट के तो मिलती नहीं, किताब तो हमेशा डिस्काउंट पे मिलती है। तो अगर मान लिया डिस्काउंट दिया जा रहा है, दुकानदार ने आपसे कहा कि जो डिस्काउंट है आपके लिए 10% का डिस्काउंट है किसी स्टूडेंट के लिए या किसी कस्टमर के लिए, तो ये 10% दिया जाएगा किस पर दिया जाएगा? 170 रुपये भी तो दिया जाएगा। इसलिए डिस्काउंट जो टर्म है ये हमेशा एसोसिएट होती है किससे? मार्केट प्राइस से। 170 रुपये 10% होगा कितना होगा? 17 रुपये। तो ये आ गया है डिस्काउंट, आ गया है बट्टा, आ गया है छूट आ गई है। और उसके बाद जब छूट मिल गई कस्टमर को तो कस्टमर से खरीद लेगा या दुकानदार उसे बेच देगा, तो उसे क्या कहेंगे? एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। इसमें क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, किसके लिए है? दुकानदार के लिए। अगर हम बात करें कि ये सीपीपी बन जाएगा, तो सीपी किसके बन जाएगा? कस्टमर के लिए। बात तो एक ही हुई। अगर मैं 170 में से 17 घटा दूं कितना आ गया? 153 ही आया ना, 153 रुपीज। तो 153 रुपीज में वो किताब बिक गई, तो 153 रुपये कस्टमर की जेब से निकलकर कहाँ चले गए? दुकानदार की जेब में चले गए। तो दुकानदार का तो ये हो गया एसपी, जबकि यही प्राइस हो सकता है सीपी, इसका ग्राहक का यानी कस्टमर का, है ना। तो ये बस थोड़ी सी स्टार्टिंग हो गई इसकी, और अब इसे सीधे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपये के स्थान पर 440 में बेची गई। ए थिंग इज सोल्ड इन 440 रुपीज इन प्लेस ऑफ 500 रुपीज। एक वस्तु 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेची गई। छूट को प्रतिशत में बताओ, फाइंड डिस्काउंट इन परसेंटेज।
पहला क्वेश्चन काफी बेसिक सा आया है, बाकी देख लो जिसे देखना है जिसे करना है अपना कर लो। 500 रुपए की कोई वस्तु थी बिकी कितने में? 440 में। तो साथ साथ चल रहा है डिस्काउंट हो गया 60 रुपए, हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है हमें, तो क्या लिखना चाहिए? डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP लिखना चाहिए, या तो आप इसे एक फॉर्मूला याद कर लें। हालांकि इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि जिसको परसेंटेज में बदलना है वही तो ऊपर लिखा जाता है, फॉर्मूला हो या ना हो। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर लिखोगे, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस ऊपर लिखोगे। और जब परसेंटेज बनाओगे तो बना में क्या आएगा? सो ही आना है। और मैंने अभी बताया कि जो डिस्काउंट है किस पर डिपेंड करता है, तो नीचे तो MP आना, याद हो या याद ना हो तो भी चलेगा। तो डिस्काउंट कितना मिला इस क्वेश्चन में? 60 रुपये गुना में 100, और मार्केट प्राइस कितना है? 500 रुपये। 500 तो है, तो ये 20 से 20 कैंसिल होगी, ये 5 से कट गया, ये तो क्या आ गया? 12% का मिल गया उसे डिस्काउंट मिल गया। ठीक, इसी को बात समझ में ना आ रही तो पूछ लेना, अभी अभी चैप्टर स्टार्ट हुई है इसकी। समझ में आ गई बात है? अगला क्वेश्चन लिखे, पचास प्रतिशत और 10%, ये दो परसेंटेज दे रखी हैं, और आपसे कहा गया है कि समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताना है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, EQIVALENT, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है जी, क्वेश्चन जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने सुना भी होगा, आप में कुछ सीनियर स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी की वस्तु के प्राइस को बढ़ा दिया, फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? ये क्वेश्चन आते ही आता, तो वो भी यहाँ पे ही आएगा जब जब डिस्काउंट की बात आएगी। खैर, अभी एक शब्द आ गया है समतुल्य बट्टा, तो इसके मायने क्या होते हैं? तो समतुल्य का मतलब क्या हो गया कि दो डिस्काउंट हैं, तीन डिस्काउंट हैं, चार डिस्काउंट हैं, अगर उनकी जगह एक ही डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो जो एक वैल्यू होगी वो इन चारों के समतुल्य होगी, यानी कि इक्विवेलेंट होगी। साधारण भाषा में इक्वली कह सकते हो कि चार डिस्काउंट अलग अलग ना दिया जाके एक ही दे दो, ये बात हुई। तो क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कह रखा कि भाई दो डिस्काउंट है, एक तो 50% का और एक 10%, तो एक ऐसा डिस्काउंट निकाल दो जो इन दोनों के बराबर है। तो तरीके कई होते हैं करने के, लेकिन सबसे जो छोटा तरीका है, छोटी है सर, क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, ऐसा आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। बाकी क्या हुआ है, पहले आंसर निकाल लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल, 100 में से 45 घट गए, कितना आ गया? 55% इसका आंसर आ गया। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया 55%, यानी कि क्या मतलब हुआ कि पहले किसी ने 50% डिस्काउंट दिया, फिर दिया 10% का, तो इकट्ठा दे दो 55% का, तो बात एक ही होगी, ये मतलब हुआ। अभी करा क्या गया, जब भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात आए तो पहले तो रिटर्न में याद आनी चाहिए, तो डिस्काउंट माइनस होगा या प्लस? माइनस होगा। प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस माइनस होगा। तो पहले ही पता कर लेते हैं कि माइनस होगा या प्लस। तो पहला डिस्काउंट 50% था, तो 100 में से 50 घटा दिए तो 50 रहेगी, फिर 10% था, 100 में 10 घटा दिए 90 आ गए। ठीक, अब ये दो वैल्यू हैं, तो नीचे आपको लिखना है एक बार 100, अगर ये तीन वैल्यू होती तो दो बार 100। मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, लॉजिक तो ये होता है कि 100 है ऐसे इंटू में भी आएगा। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक बता दो थोड़ा सा। लॉजिक तो ये होता है कि ऊपर दो एंट्री आई तो नीचे भी दो बार ही 100 आएगा, और ऊपर तीन एंट्री आएंगी तो नीचे भी तीन बार ही 100 आएगा। लेकिन 100 कहाँ होता है, इसके मल्टीप्लाई में लेके चलना पड़ता है,
जब हम तरीके से करेंगे तो ये सो से सो कट जाता है। तो जो चीज़ कटनी है उसे लिख के क्या करना है, तो फिर आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर ये दो संख्याएं हैं तो एक बार सो लिखो, अगर ये तीन संख्याएं हैं तो दो बार लिखो, बैठ बात ये रहेगी ठीक है। और इसे किसी से घटा देना है बाद में सौ में से, तो आपका क्या निकल गया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया समतुल्य बट्टा। आगे लिखिएगा नंबर थ्री, 40% कोमा 30% कोमा 20% और इनका भी यही पूछा है समतुल्य बट्टा निकाल लो अपना आंसर, जब तक ना पूछा जाए मत बताना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ही निकालना है। बोलिए 66.40 बाकी ऐसे करेंगे, सुन लिख लिया 100 माइनस 100 में से 40 घटा देंगे 7, 100 में से 30 घटा देंगे 70, 100 में से 20 घटा दो 80। अब ये तीन एंट्री हैं तो नीचे 100 कितनी बार, दो बार ठीक, और सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 100 माइनस 6 7 42 42 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 8 2 16 6 ऐसे लगा 1 8 4 32 1 33 ये आ गया है 336/10। 100 माइनस जब इसमें से 10 से भाग दोगे ये आ गया 33.6 और जब इसमें से घटाओगे कितना बताया 66.4 ये आ गया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा। तो 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, इसी तरीके से आप इसे कर सकते हो। हाँ जी ये बताया 100 माइनस 100 गुना जो भी बताया, कई तरीके होते हैं सवाल कैसे आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, एक रेडियो का मूल्य द प्राइस ऑफ ए रेडियो, एक रेडियो का मूल्य 4000 रुपये है इस 4000 रुपीज, दो बट्टे 15% और 10% दिए गए, 2 डिस्काउंट्स आर गिवन फॉर 15% एंड 10%, 2/15% और 10% दिए गए, अब नया मूल्य बताओ, फाइंड न्यू प्राइस। निकाल लीजिए कोई फॉर्मूला नहीं है कुछ नहीं है चैप्टर का, बस यही परसेंटेज ऊपर नीचे रखनी है सोल्व कर देनी। काम तेजी से किया करो, पेन भी ऐसे चला रहे हो जैसे बड़ी फुर्सत में बैठे हो, फटाफट करोगे फटाफट। आंसर बताओ 30 60 3060, जिसे देखना है देख लो, रेडियो का प्राइस कितना था 4000 रुपये, अब 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, अभी तो मैंने बताया डिस्काउंट का क्या होता है माइनस, वही काम करना 100 में से 15 घटा दो
पचासी बटे सौ, सौ में से दस घटा दूँ नब्बे बटे सौ, ठीक है, बस यह सोल कर। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, दो जीरो फिर बन गई, फिर कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, फोर इंटू एट्टी फाइव इंटू नाइन कितना बता रहे हो, थ्री जीरो, ये बता रहे थे। तो पहले रेट चार हज़ार रुपये की थी, अब डिस्काउंट हो गया तो कम की हो जाएगी, अब कम की इतनी की हो गई, तीन हज़ार साठ रुपये की हो गई। नेक्स्ट, एक टीवी का मूल्य है, प्राइस ऑफ ए टीवी 15,000 रुपये है। आज ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से कंसंट्रेट होकर अपना काम कर लो, फिर आ गए कोई बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत है अभी पूछे चलो क्या क्यों और कैसे, दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। एक टीवी का मूल्य है 15,000 रुपये, तीन लगातार छूट दी गई, थ्री कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स आर देयर, तीन लगातार छूट दी गई, टेन परसेंट, ट्वेंटी परसेंट, फोर परसेंट, दस बीस और चार, कुल छूट बताओ, फाइंड टोटल डिस्काउंट। जिस बात का पहले करे, बाकी ट्राई तो सभी करो, ये काम होना है बार बार, इसमें 2% थी, इसमें 3 दे रखी है। बहुत तेजी से सोल्व करो, जो अच्छे स्टूडेंट है वो लिखो ही मत, डार्ट करने की सोचो जितना कर सकते हो, आंसर से मतलब है जितना जल्दी आ जाए। बोलिए आया किसी का, दस हजार तीन सौ अड़सठ, और किसी को लिखवाना है, चलो मैं ये आंसर बता रहे हो आप, बाकी जिसे समझना है किसी ने ना हो पाया दोबारा देखो। एक टीवी था 15,000 रुपये का, इसमें दो डिस्काउंट थे, इसमें कितने हैं, तीन, लाइन तो वही आनी, पहला डिस्काउंट 10% का, सौ में से 10 घटा दो नब्बे बटे, दूसरा है 20% का कितना आ गया, और तीसरा है 4% का कितना आ गया, 96/100 आ गया, ये सोल्व कर दो, दो और दो चार जीरो ये है, तो तीन जीरो ये कट गई और एक ये कट गई, और एक जीरो से ये एक जीरो काट लो, और पाँच दूनी दस, पाँच तिया 15, दो से काट दो आठ हो चार, तो 9 बचा है 3 बचा, 9 तिया 27, और क्या बच रहा है 4, और क्या बच रहा है, इन सब की मल्टीप्लाई कर ली, 6 4 24, 4 7 28, यही आ रहा होगा 10,368 रुपये। पर ये आंसर तो गलत हो गया आपका, मैंने ये थोड़ी पूछा कि अब टीवी कितने का रह गया, मैंने ये कहा कि टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, तो उसकी कीमत कितनी थी 15,000 का टीवी था, अब रह गया 10,368 का, जब इसे माइनस करोगे वो आएगा डिस्काउंट का, कितना आया 4,632, इसमें से घटा देना 4,632 रुपये का डिस्काउंट मिला।
कर लेना, अलग अलग क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है दो लगातार छूट दी जाती हैं, देयर आर टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स, दो लगातार छूट दी जाती हैं 25% तथा 20%, 25% एंड 20%। तथा अब घड़ी का विक्रय मूल्य नाउ एसपी ऑफ ए वॉच सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 480 रुपये है, इज 480 रुपीज। अंकित मूल्य बताओ, फाइंड मार्केट प्राइस, कर लीजिए अभी, जिसे नहीं करना हो पहले वाला वो भी कर लो, इसमें ना आप जो आप पूछ रहे हो बाद में पूछ लेना सर, ये मैसेज में भी ये नहीं आ रहा, पूछ कर क्लास खत्म हो जाएगी तो पूछ लेना। बोलिए 800। देखिए भाई ये दोनों क्या थे, डिस्काउंट ही थे, तो डिस्काउंट थे वही काम करना, 100 में से 25 घटा दोगे क्या एंट्री आ गई, 75 की आ गई, 100 में से 20 घटा दोगे क्या एंट्री आ गई, 80 की आ गई, और एक एंट्री तो इनके साथ में होती है कौन सी, 100, इसे लिखा है 100 100 100 100 को आ गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो मार्केट प्राइस है वो इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिए गए तभी तो चीज़ कम हुई, तो ये बात क्लियर हो गई कि आंसर मेरा इससे ज़्यादा आएगा। अब ज़्यादा कब आएगा, जब मैं बड़ी संख्या ऊपर लिखूंगा और छोटी संख्या नीचे लिखूंगा तभी तो आएगा ज़्यादा, तो जानबूझ के 100 ऊपर लिखो, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे, बस ये सोल्व कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, 25 75, 25 4 100, 3 2 6, 4 2 8, 100 में तो घड़ी कितने की थी, 800 रुपये की थी, जो डिस्काउंट होने के बाद मिली थी 480 रुपये की। नेक्स्ट लिखिएगा, दो बट्टे टू डिस्काउंट्स तीस प्रतिशत तथा 20% है, और 30% एंड 20%, तथा 3/3 एंड 3 डिस्काउंट्स, तथा 3/3 एंड 3 डिस्काउंट्स 20% 10% है, 20 20 10, इनमें अंतर बताओ, फाइंड देयर डिफरेंस, अंतर
अंतर से मतलब एक तो ये दे रखा है दो डिस्काउंट और एक दे रखा है सेकंड वाला तीन डिस्काउंट, क्या करना क्या पूछ रहा है वो, इनमें अंतर बताओ, मतलब इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो समतुल्य बट्टा और इनका निकाल लो इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा और उनमें डिफरेंस निकालो, ये कह रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना भी बताइए तो कैलकुलेशन कर लो। जिसे देखना है देख लीजिएगा, तो सारी चीज क्वेश्चन में नहीं दी जाती, कुछ चीज अपने आगे सोचनी है कि भाई दो तो ये दिए तीन ये दिए और आंसर पूछ रहा, तो मुझे इन दो से एक को बनाना पड़ेगा, मुझे इन तीन से एक तो बनाना पड़ेगा, तो वो एक ही तो है क्या इक्विवेलेंट और फिर उनका डिफरेंस। तो पहले इसके लिए कर लेते हैं, क्या बताया था अभी 100 माइनस 100 में से 30 गए 100 में से 20 गए, ये दो एंट्री है तो नीचे एक बड़ा आएगा 100, ये इसे कैंसिल हो गया 7 8 56 और 100 में से 56 गए 44, तो ये तो आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है जी। इसे मान लिया गया क्या फर्स्ट, फिर ऐसे सेकंड निकाल लो, तो 100 माइनस 100 में से 20 गए 80, 100 में से 20 गए 80, 100 में से 10 गए 90 और बटे में 100, दो जीरो से फिर दो जीरो कैंसिल, 100 हो रहा है क्योंकि तीन एंट्री है तो दो बार 100 आएगा और एक जीरो से ये जीरो कट गई और ये आ गया 100 माइनस 8 8 64 और 64 ही बना 9 में, 9 2 36 का 6 कहाँ लगे 3, 9 6 54 और 3 57, नीचे 10 बचा हुआ था, जब से 10 से भाग देंगे तो 57.6, इसमें से घटा दो कितना आ गया 58.42 आ गया, ये तो आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड, और पूछा है डिफरेंस यानी कि अंतर, 44 में से क्या घटा दूं 42.4 घटा दूं कितना आ गया 6 आएगा 1.6% का डिफरेंस आ गया, तो ये वो पूछ रहा था जो लिखवाया गया था। पहले अगला क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट, इसे बाद में कॉपी करना। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया जो इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मैं अभी बोल के बता रहा था थोड़ी देर पहले। एक दुकानदार ए शॉपकीपर बीस प्रतिशत अधिक मूल्य लिखता है, राइट्स 20% मोर प्राइस, 20% अधिक मूल्य लिखता है तथा 10% छूट दे देता है एंड डिस्काउंट इज 10%, लाभ प्रतिशत बताओ, फाइंड प्रॉफिट परसेंट,
बस आंसर आ गया होगा, बताइए 8%। देखिए बच्चों इधर जो पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कोई दुकानदार जानबूझ के पैसे बढ़ाए हो, फिर कस्टमर को खुश करने के लिए डिस्काउंट देगा और उसके बाद से प्रॉफिट तो लेना ही लेना है, तो ये तो एक सीधे सीधा क्वेश्चन हो गया। कभी कभी क्या करेगा, सवाल ये रहेगा कि प्रॉफिट दे देगा, ये डिस्काउंट दे देगा, ये पूछ लेगा कि कितने बढ़ाए थे, ठीक है। इसे आगे पीछे घुमाया जाएगा, तीन चीज़ें याद रखो, ये पैसे बढ़ाए, ये डिस्काउंट दिया और ये क्या पूछ बैठा, प्रॉफिट पूछ बैठा। तो शुरू की दो एंट्री ऐसे ही करो, इन्हें 20% बढ़ाए तो क्या लिखूँ, 120 तो लिखूँ ना, 100 में 20 जोड़ के, और 10% का डिस्काउंट दिया क्या लिखूँ। तो जैसे ये दो एंट्री यहाँ आती थी, ये आ गई, तो आ गई। अब ये दो एंट्री हैं तो 100 कितनी बार आएगा नीचे, एक बार आएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया 108 आ गया। अब तो इसे तो हम 100 में से घटा रहे थे, इसे तो हम 100 में से घटा रहे थे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा 100 से कम ही आनी है, डिस्काउंट तो कभी 100% तो हो नहीं सकता। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि 170 रुपये की बुक है, 170 डिस्काउंट हो गया, वो तो चीज़ फिर क्या होगी, फ्री में हो गई, डेट मीन डिस्काउंट तो हमेशा 100 से कम ही होगा। तो ये चीज़ हमेशा 100 से कम आएगी, तो इसे 100 से घटना चाहिए, लेकिन ये आ गई 100 से, तो इसमें से 100 घटेगा, काम तो वही हो रहा है ना, इसमें 100 घटा देंगे और आंसर क्या आ गया, 8% का प्रॉफिट। ठीक, ये पहले वाला कॉपी हो गया तुम्हारा, आगे देखिए नेक्स्ट, 12% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट इज 12%, 12% की छूट दी जाती है, यदि छूट 8% होती, इफ द डिस्काउंट हैड बीन 8%, यदि छूट 8% होती तब 12 रुपये अधिक मिलते, देन 12 रुपीज इज ऑब्टेन मोर, 12 रुपये अधिक मिलते, अंकित मूल्य बताओ, फाइंड मार्केट प्राइस, आंसर 300। जैसा देखना है अगर देखिए, पूरे मैथमेटिक्स में चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, या ये हो या कोई और हो, आपको बस यहाँ फोकस करना है इस पर। ये मैंने प्लस बना रखा है क्योंकि मैंने लिखवाया मोर, ज़्यादा, 12 रुपये ज़्यादा मिलते, तो लैंग्वेज क्या होती है कि 12 रुपये ज़्यादा मिलते हैं या 12 रुपये कम मिलते हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ ये बात, तो मैं इसे क्या कहता हूँ, डिफरेंस कहता हूँ, जब कभी भी ज़्यादा या कम की बात होगी क्या होगा, डिफरेंस। तो ये जो 12 रुपये है मेरी नज़र में डिफरेंस है, और फिर वही बात, जब ये डिफरेंस है तो नीचे भी क्या आएगा, डिफरेंस ही आएगा, तो इन दोनों को घटा दो, 12 में से 8 गए, ऊपर भी डिफरेंस, नीचे भी डिफरेंस, लेकिन नीचे वाला डिफरेंस परसेंटेज में है, इसमें से जब इसे घटाओगे तो डिफरेंस परसेंटेज में तो आएगा, और जब परसेंटेज घटाओगे तो गुना में क्या आ जाएगा। जो अच्छे जानकार नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखो कि परसेंटेज की एंट्री नीचे लिखनी है, यदि परसेंटेज ऊपर लिख दो, ठीक है, बस ये सोल्व कर दो, 4 3 12 और 100 3 300। अब मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चला कि भाई ये अंकित मूल्य ही है, ये मार्केट प्राइस है। तो यहाँ ये बात याद रखो, जब भी पूरे मैथमेटिक्स में आप ट्रिक लगाओगे कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ और गुना में सो, वहाँ से हमेशा टोटल निकलेगा, क्या निकलेगा,
अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर मान लिया सीपी का क्वेश्चन है क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य भी हो सकता है टोटल। यहाँ बात इसकी हो रही थी डिस्काउंट की, और डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है? मार्केट प्राइस पर। इसलिए जो टोटल निकलेगा वो यहाँ पे अंकित मूल्य है निकलेगा टोटल। तो ये बात रखो, जिसे मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, एमपी कह रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए जी आगे लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है चालीस प्रतिशत मूल्य अधिक कर दिया जाता है, प्राइस इज 40% मोर। चालीस प्रतिशत मूल्य अधिक कर दिया जाता है तथा लाभ 12% होता है एंड प्रॉफिट इज 12%। बट्टा बताओ फाइंड डिस्काउंट कर लीजिएगा। बोलिए आंसर। 20% बिल्कुल सही। जिनका नहीं हो पा रहा, कन्फ्यूजन आ रहा है दिमाग में, वो इधर देखो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब आप बहुत चीज़ें निकाल लोगे ना, इतना कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मतलब कहीं लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हवा हवा में सवाल हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि मैंने कहा था तीन टर्म याद रखो, कैसे बढ़ाएगा फिर डिस्काउंट देगा फिर प्रॉफिट होगा। अब इन तीन में से वो कौन सी दो दे रहा है डिपेंड ये करता है। सवाल तो ये भी हुआ कैसे बढ़ाए फिर डिस्काउंट, कुछ दिया होगा और फिर क्या हुआ प्रॉफिट। फर्क ये है कि इसने प्रॉफिट पूछ लिया, इसने प्रॉफिट दे लिया। तो आप ऐसे मत कंफ्यूज हुआ करोगे भाई इसमें क्या करो, आप इसको तो याद रखा है ना आपने, इसको तो कर रखा सवाल, तो इसी की हेल्प से करो, कुछ और चेंज मत करो। क्योंकि जितनी बात दिमाग में याद रखोगे फिर वही बात है, कुछ इधर हो जाएगा कुछ इधर हो जाएगा। अब हम ऐसे ही करते हैं, कुछ दे रखा हो या ना दे रखा हो, दिमाग में ये होना चाहिए। एक एंट्री तो लिखी थी हमने पैसे बढ़ाने वाली, दूसरी एंट्री लिखी थी डिस्काउंट वाली। अब प्रॉफिट हुआ था बराबर से इधर, होना भी ऐसे चाहिए। पैसे मैंने बढ़ाए फिर डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट तो एंड में तो होगा, तो ऐसे रखो दिमाग में। पहली एंट्री किसी करूँ पैसे बढ़ाने वाली, मेरे पास हो या ना हो, है 40% बढ़ा दिए क्या लिखूँ। अब इसके इंटू में दूसरी एंट्री क्या आएगी डिस्काउंट। तुम ये समझो तुम दुकानदार हो, तुमने पैसे बढ़ाए, अब अगला स्टेप क्या होगा डिस्काउंट देने का। तो खुद कह रहा सवाल की भाई यहाँ डिस्काउंट ही तो देना है। अब डिस्काउंट इसमें नहीं है, अगर मान लिया इसमें डिस्काउंट होता जैसे इसमें था 10%, तो तुमने सोने तो लिखा के लिख देता 90 लिख देता, अब नहीं है तो कुछ मान लोगे एक्स मान लो, एक्स तो फेवरेट है तुम्हारा, तो जब सोने से एक्स घटाओगे क्या लिखोगे यहाँ 100-X लिखोगे। इसे ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, बाकी मैं तो ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ 10 था तो 10 थोड़ी लिखा था, 100-10 घटा कर 90 लिखा था ना, तो यहाँ एक्स मान लिया तो क्या लिखेंगे 100-X। अभी दो एंट्री हैं तो 100 कितनी बार आएगा नीचे, वो भी वही बात। अब इस सवाल में प्रॉफिट निकालना था और इस सवाल में प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ 12 लिखूँ या 112 112 लिखूँ, क्योंकि यहाँ 8 थोड़ी आया था, 108 आया था ना, तो यहाँ 112 लिखेंगे। अब इसे आप सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, और जी 2 5 10, 2 7 14, जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर काट सकता है, तो 7 5 7 और 7 6 42, ये आ गया 100-X, और 16 5 80, सो यहीं रह गया 80 रह गया, हो गया माइनस, ये माइनस से रह गया हो गया प्लस, 100 में से 80 गए 20, ये आंसर आ गया 20% आ गया नहीं आ गया। तो उसी को याद रखो। अब रही बात कि मान लिया आप इसे 100 में से नहीं लिखते,
भूल जाते हो, नहीं लिखते, लिखना नहीं चाहते, जो भी आपकी समस्या है, तो यहाँ से क्या लिखोगे फिर आप? एक्स लिखोगे। जब एक्स लिखोगे तो ये कितना आएगा यहाँ? ये 120 आएगा। कितना आएगा? नहीं, 80 आएगा। डिस्काउंट है ना सर? हाँ, क्या आएगा? 80 आएगा। तो उस 80 को 100 में से फिर घटा देंगे, क्या आ जाएगा? और ऐसे लिख लोगे तो जरूरत ही नहीं कुछ, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तुम हो गए थे तो ये हो गया था पहले वाला, तो वही चीज जो मैं समझाई, आपने एक क्वेश्चन कर लिया और दूसरे से वेरिएबल चेंज करे तो कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। सवाल तो वही है ना, वही तीन टर्म, पैसे बढ़ाना, डिस्काउंट देना और फिर बराबर में प्रॉफिट देना। उनमें से क्या उसने दे रखा है, क्या मैंने दे जोना दे रखा है, कंसेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, और अगर मान लिया हम ऐसा होता है जब हम मैथ सीखते हैं शुरू शुरू में, अब मैथ मैच्योर हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो दिमाग ऐसे ही काम करेगा। जब हम सीखते हैं तो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, हम सिर्फ आंसर पर गौर करते हैं, 8% आ गया, 20% आ गया, चाहे ऊपर रख के आ गया हो या नीचे रख के आ गया, आ गया। और जैसे आंसर आ जा तो जो चीज़ सोचने की वही छोड़ दी हमने, हम आंसर लेकर निकल लिए, तो वो गलत अप्रोच है। आंसर तो आए या ना आए, वो टर्म ऊपर क्यों रखी है, वो टर्म नीचे क्यों रखी है, वो चीज़ जरूरी है। ठीक है, उसका ध्यान रखो। नेक्स्ट लिखिएगा, बीस प्रतिशत छूट दी गई, डिस्काउंट इज 20%, लाभ 25% हुआ, प्रॉफिट इज 25%, यदि वह छूट नहीं दे, इफ देयर इज नो डिस्काउंट, यदि डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, जिसका आता है कर ले पहले, तो नहीं आता कोशिश कर ले। हो गया, बोलो 40, 40 बोल रहे हो ना, पहला आंसर आया 40%, किसी और को कुछ दिखवाना हो कर रहा हो देख लो। तो बेटा जल्दी बोलो, और टाइम हो गया, सवारी करते रहोगे क्या? जो सीनियर है वो तो बोलो। छत्तीस, और देखो क्या आ रहा है, और शायद आ ही नहीं रहा, वहाँ नहीं आया कुछ। छप्पन सही तो बोलोगे कब? छप्पन सही, एक बड़े चार, यानी कि 56.25%। जो भी आंसर आया तुम तो ऐसे डरे जाओ, पता नहीं क्या पता चल जाएगा, गलत हो जाने तो लिखवा दो सही। लो भाई देखो, तीन आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी, और गेम बंद नहीं है। अब ये बताओ, अभी जो मैंने आपको दो सवाल करवाए थे उनसे सवाल अलग है या उनकी जैसे ही है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, हिंदी में पूछ रहा हूँ। ये सवाल जो दो सवाल करवाए थे उनके जैसे ही है या अलग है?
अलग ही है, क्योंकि उसमें तो तीन एंट्री आती थी, पैसे बढ़ाना, डिस्काउंट देना और प्रॉफिट लेना। यहाँ तो उसने कहा कि पहले डिस्काउंट दिया तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो फिर डिस्काउंट देते ही नहीं। तो बेटा तो जो आ रहा आप देखें, जो भी आ रहा है 36-40 बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बाकी देखेंगे क्या सही है क्या गलत। मैं समझा रहा था कुछ क्या करता ना, अब डिस्काउंट देना ही नहीं है, तो डिस्काउंट नहीं देना तो प्रॉफिट तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्काउंट दे रहा था दुकानदार तो डिस्काउंट प्रॉफिट कितना रहा था उसे, अब उसने डिस्काउंट मना कर दिया, अब कोई स्कीम नहीं है डिस्काउंट की, तो उसका प्रॉफिट तो ज़्यादा ही होना है ना, पर कितना होना है वो हम देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इसे हम फंडामेंटली कैसे करेंगे पहले से देखो। सवाल अलग है ना, ये अलग है तो ये मेथड छोड़ दो, ठीक। बार बार ही कह रहा है डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पर डिपेंड करता है? एमपी पर करता है। तो मान लिया जो एमपी है वो 100 रुपये है, एक्स भी मान सकते हैं तो 100 से जल्दी हो जाएगा, मान लो। चलो जी, अब डिस्काउंट कितना है? 20%, तो 100 का तो 20 रुपये ही होगा सीधा सीधा, इसलिए तो 100 मानना गया था, एक्स मानते तो निकालना पड़ता। फिर किसी वस्तु पर 100 रुपये छपे हुए थे, 20 रुपये डिस्काउंट हो गया, कितने में बिक गई? 80 रुपये में बिक गई। यहाँ तक आ गई बात। अब इसका तो इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन बेचारे का इसका तो इस्तेमाल हो ही नहीं, प्रॉफिट का भी कोई प्रयोग नहीं हुआ। अब मैं इसके बाद लिखूंगा प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 25%। अब मेरे पास ये दो एंट्री आ गई, तो मैं इनसे क्या निकालूंगा? सीपी निकालूंगा, किराया मूल्य है, ठीक। फार्मूला भी है, बाकी आ सकता तो कुछ है नहीं, बाकी पहले फार्मूले के दिखाता हूँ क्या होता है फार्मूला। एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, ये होता है फार्मूला। अगर यहाँ लॉस परसेंट हो तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक। अगर इसी को आ सकता है नहीं, ठीक। पहले फार्मूले से करते हैं, एस पी कितना दे रखा, घोषण तो ये भी सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। देखो जी ये फार्मूला तो किसका, एस पी का, और निकालना क्या वही सी पी का फार्मूला क्या। लेकिन बात वही है ना, तीन चीज है, एक दो तीन, दो धरोगे तीसरी निकल जाएगी, वो एस पी हो या सी पी, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो एस पी कितना है 80 रुपये, सी पी मुझे निकालना, प्रॉफिट कितना है 100 में 25 जोड़ दो, 125 बटे 25, चौगा 100, 25 पंजे 125, 5 से 8 तो 16 पंजे 80, और 16 चौगा 64, ये निकल गया किरे मूल्य। तरीके से कर रहा हूँ अभी सब चीज़ें, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक क्या बात हुई, दोबारा समझो क्या बात हुई, समझो तो होना, चाहे कितने समझा लो, क्योंकि दिमाग तो रहे सारे भी लोग, मैं भी जो लगाए जो लोग। यहाँ तक बात ये हुई कि एक वस्तु थी जिसमें 100 रुपये छपे हुए थे, और दुकानदार उसे खरीद के लाया था 64 रुपये में, जहाँ से भी लाया था, होलसेलर से जहाँ से भी लाया था, 100 रुपये उस पर छपे हुए थे, कस्टमर को घुस करने के लिए 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, 80 रुपये में बेच दिए, तो प्रॉफिट तो अभी हुआ कितने का हुआ? यहाँ तक ये बात हुई है। अब आगे छोड़ो, अब उसने क्या कहा, डिस्काउंट देना बंद, मतलब जो उस पर छपा हुआ था उतने में बिकेगी, सीधी सीधी सी बात। छपा हुआ कितना था? 100 रुपये छपा हुआ था, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। जो एमपी था वही एसपी बन गया। अब सी पी ये लो और एस पी ये लो, क्योंकि अब क्या निकालना है मुझे, तो प्रॉफिट तो सी पी और एस पी का डिफरेंस ही तो है कम ज़्यादा, तो एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो हानि हो जाए, एक चीज़ दूसरी ज़्यादा हो जाए तो लाभ हो जाए। तो अगर मैं 100 में से 64 घटा दूँ कितना आ गया? 36 आ गया, आ गया। ये क्या है, प्रॉफिट आया पक्की बात, तो कह दो हाँ आया है। ये 36 जो आया किसमें आया है? रुपए में आया है। तो जिनका आंसर यो था ये तो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी परसेंटेज मान ली सीधी सी, ठीक है। ये प्रॉफिट आया है रुपए में, और हमें निकालना क्या प्रॉफिट परसेंट,
और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट कितना 36 गुना में और सीपी कितना 64। ठीक है जी, अब ये सॉल्व करो, किसे काटूं, इसी से काट रही हूँ, 4 × 36, 4 × 4, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 4 से कट गया 25, 25 के बाद 225, 225 को 4 से भाग दो, 4 × 5 = 20, इसके लक्षण आ रहे हैं 56 पॉइंट, कर लू विश्वास, ये आ गया इसका आंसर 56.25%। अब इतने जो जोर लगाए हैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या पूछा, कैसे निकालना है, क्यों निकालना है। अब थोड़ा सा जल्दी करना है, जल्दी शॉर्ट ट्रिक के तब लगे हैं कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। हवा हवा में बात करोगे तो हवा में रह जाएगा मैथमेटिक्स, कुछ नहीं होता। इतना आसान होता तो सब एक ही महीने पड़ गए बन जाते जीनियस। अब यही जो हमने काम करा है ये हमें डायरेक्ट करना है, कंसेप्ट क्लियर है दिमाग में। डिस्काउंट की बात हो रही थी, सबसे पहले क्या चाहिए है MPG, ठीक। उसके बाद 20 रुपये का क्या हो गया था डिस्काउंट, तो 80 रुपये क्या आ गया SP आ गया, SP से मुझे क्या निकालना CP। फॉर्मूला एक साइड कर दो, वही चीज़ सोचो कम या ज़्यादा, प्रॉफिट हो रहा है सवाल में, जब प्रॉफिट होगा सवाल में SP ज़्यादा होगा या CP ज़्यादा होगा, SP ज़्यादा होगा, CP हमेशा कम होगा, क्यों SP था या CP था, क्यों SP था, तो मुझे CP लेना, तो CP मेरा दिमाग कह रहा है जो भी कुछ आएगा 80 से कम आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। परसेंटेज कितनी दे रखी थी, तो एक एंट्री तो होगी 100 की, एक होगी 125 की, होगी या नहीं हुई, और आंसर आना है मुझे कम, तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, 100/125 लिख लो, समझदार हो तो 4/5 लिख दो, 25 होगा 100, 25 × 125, ये हो गया 4/5, हो गया। अब इस स्टेप को जो मैं सोल्व करूँगा क्या निकल आएगा, सीपी निकल आएगा, मुझे तुम्हारा ही आएगा कहाँ पे 64, काट लो 16 चौका आ गया सीपी। अब डिस्काउंट हो गया था खत्म, तो SP क्या बन गया 100 रुपये बन गया, एक एंट्री आ गई 100, इनका डिफरेंस क्या आ गया प्रॉफिट, काम तो वही हो रहा है सारा एक लाइन में हो रहा है। अब कितनी स्पीड चाहिए, एक स्टूडेंट ऐसा नो बैठ जाएगा हाथ बांध के, नो पढ़ेगा स्कैन से करेगा अगर आंसर, अपनी अपनी बात है। एक ऐसा हो कैलकुलेशन भी कर ले, अब पढ़ते पढ़ते 8 × 64, अच्छा वो गलत हो जा जब याद आ रहा है तो 8 × 8 = 64 था, एक ऐसा भी हो, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, और मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, मेहनत कर रखी है, 50 क्वेश्चन 17 मिनट में निकाल लोगे 100% एक्यूरेसी के साथ, एक गलत नहीं हो सकता, मेरा प्रोमिस है। तो प्रैक्टिस कितनी करते हो डिपेंड करेगा। अब वही फॉर्मूला है 36 × 100/CP, आंसर कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ 56 पॉइंट, ना कोई कॉपी भरने की जरूरत, ना कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत, इन्हें छोटी कह दिया जाए, बाकी छोटी तो कुछ होती कुछ नहीं होती, छोटी कंसेप्ट क्लियर है तो ना छोटी बन जाएगी, नहीं है तो कुछ नहीं बन जाएगी। बस आज इतना ही।